पूछा मुसलमान कहां है, उन्होंने कहा मुसलमानी जो है वो तो जा चुकी है और मुसलमान कब्रों में जा चुके हैं, बस खत्म होगी कहानी। ये एक बिदत के ऊपर, ये रसूल की बात को कह के रद्द कर देना, आज माहौल बदल गया। ये कहना कि रसूल की बात के आगे किसी इमाम या आलम की बात को रखना, नबी अलैहिस्सलाम की जात पर उनके दीन पर बातें करना, हजूर के फैसलों को ना मानना और हजूर अलैहिस्सलाम के मुकाम को आगे बढ़ाना, रसूलन से आगे करके नबी को अल्लाह बना देना, यह भी नबी का मुकाम उससे खराब कर दिया। तरीफें जितनी मर्जी करें, रुक के करना जिस कर, ठीक है ना। और ये इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये नबी के नाराजी होने पर आपकी लामत है। और उसके बाद फिर आ गया दीना, दीने इस्लाम पे राजी होना भाईजान बुरी बड़ी बात नहीं, दीने इस्लाम पर ये है आप राजी नहीं हो। अल्लाह ने कहा कि सूद मना है, आपने क्या कहा, सूद के बगैर मईशत नहीं चलती, फर्ज़ हो बेहर बिल्लाह मिनल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। आप उसके बाद आप कहते नकाह, आपने अपनी मर्जी से करना, ये दीन इस्लाम पे राजी नहीं हुए। आपने मुशरकों हिंदुओं काफिरों की तरह नकाह करने, वही होगा मर्द पर बिदात पर राजी हो जाना, ये भी मुशरक हिंदुओं से आपने ले लिया और सिखों से आपने लिया, क्योंकि वहां से आप आए हैं, इसलिए ये भी उसके नबी के ऊपर राजी। और इस्लाम की तालीमात के ऊपर नुक्ताचीनी करनी कि ये 1500 साल पुराने हैं, और उसके कौम को कहना ये पुराने ख्याल हैं, अल्लाह ने फरमाया ये भी नहीं होगा। इस्लाम को दीन मानेगा, क्योंकि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के अहकामात को माने और अल्लाह के अहकामात को ही जाने। और दीन इस्लाम में कोई कम, आपको पता शीरी मजारी ने क्या कहा था पहली दफा, कहती ये जो है ना इस्लाम, हमें चाहिए इसको अपडेट करें, इसको अपडेट करें। अपडेट करने का मतलब क्या, इसमें इजाफा करें। इजाफा कौन कर सकता है इस्लाम में, या वही उतरे और उतर के किसी और बंदे पर रसूलुल्लाह के अलावा आए तो आंखें बताए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इसके अंदर आप ये अमेंडमेंट कर लो, या बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ। तो तीन वजहों से हो गया बंदा काफर, अपनी जगह फिर कहेंगे जी हम काफर का हुक्म क्यों ना लगाएं। दूसरे दीनों से जो नफरत ना करता, आपको इस तरह लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन से आपकी नफरत होनी चाहिए, हिंदू सिख ईसाई ये भी देखने के लिए जाना कि चलो देख के आए वो क्या करते हैं, हराम रवादारी के नाम पर उनके मजहबों के ऊपर आप जाकर उनकी आप क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं हम अपने भाइयों को दिल से क्रिसमस मुबारक कहते हैं, कोई नहीं, ना दिवाली ना दशहरा ना होली ना कुछ और, दीन से नफरत करें जिस तरह पेशाब पखाने से नफरत करते हैं, इतनी नफरत आपको होनी चाहिए दूसरे दिनों से। अगर आप कहते नहीं जाकर हम उनके अंदर घुले मिलेंगे, एक दिन फिसल जाएंगे। मेरे विरद लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़